इंग्लैंड के वुलपिट गांव में दो हरे रंग के बच्चे पाए गए थे। क्या ये शैतान है, एलियंस है या फिर कुछ और है? जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। इनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाओगे। बात है 12वीं शताब्दी की। इंग्लैंड में एक छोटा सा गांव है वुलपिट। वहां के जंगलों में ये दो बच्चे पाए जाते हैं। इनका रहन सहन और कपड़े एकदम अलग थे। स्किन कलर ग्रीन था। गांव वाले इन बच्चों को अपने घर में ले आते हैं। इनसे पूछा जाता है कि ये कौन है और कहां से आए हैं। लेकिन इनकी लैंग्वेज एकदम अलग थी जिसे कोई नहीं समझ पाया। खाने में ये सिर्फ कच्चे बीन्स खाते थे। लोगों को नहीं पता चल पा रहा था कि ये कौन है और कहां से आए हैं। इन दो बच्चों में से एक लड़का था जो कि बीमार पड़ जाता है और उसकी मौत हो जाती है। लड़की अकेली रह जाती है। उसको इंग्लिश बोलना सिखाया जाता है। उसके बाद उनसे पूछा जाता है कि वो कौन है और कहां से आए हैं। लड़की बताती है कि उन्हें जंगल में गुफा मिली और उस गुफा में जाते ही वो इस दुनिया में पहुंच गए। वो जिस जगह पर रहते थे उसका नाम है सेंट मार्टन। लड़की का कहना है कि वहां पर सूरज की रोशनी नहीं आती। जब ये बात गवर्नमेंट को पता चली तो उन्होंने उन बच्चों को गांव वालों के साथ रहने दिया, बट उनके कपड़ों को रिसर्च के लिए ले गए क्योंकि उनके कपड़े एकदम अलग थे। लिटरली उन बच्चों के बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया कि वो कौन थे। कुछ थ्योरीज है जिनका कहना है कि वो बच्चे दूसरी दुनिया से आए थे। जिस गुफा से वो आए शायद वहाँ पर कोई ब्लैक होल होगा, क्योंकि ब्लैक होल ही एक ऐसी चीज है जिसके जरिए हम दूसरे डायमेंशन में जा सकते हैं। कभी कभी हमारे नेचर में ऐसे बदलाव हो जाते हैं जिसके कारण ब्लैक होल्स क्रिएट हो सकते हैं। हो सकता है ब्लैक होल के जरिए उन बच्चों ने टाइम ट्रैवल किया हो। कुछ खगोल शास्त्रियों का कहना है कि ये बच्चे किसी दूसरे ग्रह से खराब ट्रांसमीटर की वजह से यहाँ पर आ गए। कुछ स्पेशलिस्ट का कहना है कि ये पैरेलल यूनिवर्स से आए हैं, लेकिन सच क्या है ये आज तक कोई नहीं जानता। आपको क्या लगता है कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही मिस्टीरियस वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ऑन कर लें।